हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड है हिस्ट्री डिस्कशन। हिस्ट्री डिस्कशन ऑफ व्हाट? ऑल इंडिया टेस्ट। हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऑर्गेनाइज किया था, अगर आपने नहीं दिया तो आप इसको दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर वो अवेलेबल है, ऑल इंडिया टेस्ट डायग्नोस्टिक के नाम से। 100 रुपये का टेस्ट है वो, तो आप उसके बाद उसके वीडियो डिस्कशन देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो ये पर्टिकुलर एक जो डिस्कशन है हिस्ट्री का, ये मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा आपको चाह रहे हैं एक अटेम्प्ट करना कि सर आपको समझाएंगे किस तरह से हिस्ट्री जो टॉपिक जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है, तो हिस्ट्री के पीछे भी एक पर्टिकुलर एक अगर आप देखें कि क्या स्कीम ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, क्या ऑर्डर, क्या लॉजिक है, तो उसको समझने की ट्राई कीजिए। ठीक है, एंड बिफोर वी प्रोसीड, एक सबसे इंपॉर्टेंट एक जो पूरे यहाँ पर जो रहती है सबसे एक इंपॉर्टेंट हमारी अनाउंसमेंट, दैट इज अबाउट आर क्रैश कोर्स। जो 2019 के लिए जो प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है वो अब शुरू हो जाएगा आपका 1 मार्च से। ठीक है दोस्तों, 11 इंटेंसिव वीक्स चलेगा वो 16 मई तक। ठीक है, आपका 2 जून को एग्जाम है, 16 मई तक ये चलेगा। और ब्रॉडर प्लान, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये 4 सब्जेक्ट इको, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर एंड एनवायरमेंट 10-10 दिन चलेंगे। साइंस एंड टेक 7 डेज, ज्योग्राफी स्कीम्स, ज्योग्राफी 7 डेज, स्कीम 5 डेज, एंड आईआर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी पूछता है 3 दिन, एंड रिपोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस 3 दिन। सभी के सभी रिस्पेक्टिव करंट अफेयर्स अपडेट किए जाएंगे। तो यहां पर मैं चाहता हूं आपको एक चीज समझाना कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज जैसे क्या है यहां पर, जैसे यहां पर समझिए कि हमने बहुत सारे वीडियोस अपने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो वो यूट्यूब के वीडियोस जो हैं उनको तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो लेकिन यहां पे हम क्रैश में 2 चीजें ऑफर करेंगे कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं वो स्टैटिक कवर करेंगे, प्लस जो टिल डेट जो करंट अफेयर्स हुआ उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेटेड एक कोर्स बनाने की ट्राई करते हैं हर साल कि बिल्कुल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्पेसिफिक, क्योंकि जब एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करनी होती है। उस नॉलेज को आपने, जैसे हमने बहुत सारा आपको जो कंटेंट दिया, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही नॉलेज इंटेंसिव एग्जाम है, तो उस इसी पर्पस के थ्रू हमने अपना पूरा का पूरा जीएस यूट्यूब पर कवर किया, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट अपडेटेड टिल द टाइम यू आर वाचिंग इट। तो एंड जो जनवरी तक अगर आप मान के चलें, तो लेकिन उसके बाद जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेशन हैं जो एग्जाम पॉइंट से हमें बिल्कुल जाननी चाहिए तह में जाकर, उनके बारे में हम और वहां पर डालने की ट्राई कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स में। सिंपली क्रैश का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपको बताना एग्जाम के पहले, एंड आपको ऐसा फोकस करवाना कि आप प्लीज इनको रिटेन कीजिए, एग्जाम में जाके इनको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड सी चीज है जो हम क्रैश में ऑफर करते हैं, एंड जनरली टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहे। जैसे अगर प्रीलिम्स का क्रैश है 9,000 रुपए का, एंड अगर प्रीलिम्स की हमारी टेस्ट सीरीज 8,000 रुपए की, तो मैंने पहले भी आपको जैसे बताया 9 और 8 मिलाएं 17,000 बनते हैं, लेकिन हम इसको 10 में ऑफर कर रहे हैं, 9999। ठीक है, 10,000 में ऑफर कर रहे हैं, एंड अगर आप ट्यूजडे जो कि कल रात तक है अगर आप इसको एनरोल करते हैं तो 1,000 रुपए का फर्दर डिस्काउंट है, क्योंकि जो लोग शुरू में जो जुड़ जाते हैं डेफिनेटली एडवांटेजियस पोजीशन पर होते हैं, तो उनको थोड़ा और वहां पे इंसेंटिवाइज करने के लिए कि अगर आप क्रैश एंड टेस्ट सीरीज, दोनों टेस्ट सीरीज में यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ वाले टेस्ट सीरीज है तो हैं, तो आप वो 1,000 रुपए यहाँ पे और बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ कल शाम तक ही है, 1,000 रुपए बचा सकते हो, ऑलरेडी काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा और उसमें आपको बचत यहाँ पे करने का मौका। अगर आप हमारे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं तो आप हमें मेल लिखिए, आपको हम कोर्स अपग्रेड कर देंगे। बहुत से बच्चे जिन्होंने मेल लिखी हमने उनको लिंक सेंड कर दिया, कोर्स अपग्रेड उनका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस अगर ये ऑफलाइन बैच ये 2019 का बहुत जल्द आपके सामने होगा, इसको लेके भी इंक्वायरीज बढ़ गई हैं, तो इसको भी बस बहुत ही जल्द यू विल हैव अ वीडियो जिसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो आइए सर से जानिए कि हिस्ट्री डिस्कशन के बारे में ऑल इंडिया टेस्ट की, बस कहीं ना कहीं सभी के सभी टीचर्स, सभी के सभी कॉम्पोनेंट जो मास्टर्स हैं आपको यही बताने की ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से लॉजिक निकाला जाए बहुत सारी चीजों के पीछे, कि आर्बिट्ररी रट्टा मारना ठीक है वो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर कुछ ऑर्डर, कुछ अगर लॉजिक, कुछ अगर पैटर्न हो तो उसको जानने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सर से जानते हैं कि किस तरह से हिस्ट्री में भी हम लॉजिक ढूंढ सकते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ऑल इंडिया टेस्ट के हिस्ट्री कंपोनेंट का डिस्कशन शुरू करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे हमने पूछा था हिस्ट्री में वो था होयसालेश्वर टेंपल के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आई होगी, मुश्किल लगा होगा ये सवाल कि होयसालेश्वर टेंपल के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स ऐसे पूछ लिए गए जो कि शायद उन्हें पता नहीं थे। कुछ एक दो जो कॉमन चीज़ें थी होयसालेश्वर की वो नहीं पूछी। तो इस डिस्कशन में हम ये जानेंगे कि पहले तो सवाल एड्रेस कैसे करना है, सवाल आते कहाँ से हैं। आप प्रिपेयर तभी रह सकते हैं जब आपको पता हो कि इन तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और मेरे को इन चीजों का ख्याल रखना है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ठीक कर सकूं पेपर में। तो सवाल था होयसालेश्वर टेंपल के ऊपर।
तो होयसालेश्वरा टेम्पल न्यूज में रहा था दिसंबर के महीने में 2018 में, क्योंकि होयसालेश्वरा टेम्पल यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है हेरिटेज साइट्स की उसमें है। मतलब कि इंडिया एज अ नेशन यूनेस्को को कह रहा है कि होयसालेश्वरा टेम्पल को भी आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दीजिए। अभी ये टेंटेटिव लिस्ट में है। तो यूनेस्को की दो लिस्ट आती हैं, अगर आप यूनेस्को की वेबसाइट पर जाके देखें, एक तो उसकी लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, दूसरी उसकी लिस्ट है टेंटेटिव साइट्स की, जिसमें होयसालेश्वरा के अलावा और भी इंडिया की साइट्स हैं जो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बट होयसालेश्वरा इसीलिए न्यूज में था क्योंकि वो टेंटेटिव लिस्ट में था। अब आपको ये ध्यान ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू पढ़ रहे हैं या एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं और वहां पे ऐसी कोई खबर आई है कि इंडिया ने होयसालेश्वरा टेम्पल को टेंटेटिव लिस्ट में डालने की बात करी या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डालने की बात करी, तो एज अ स्टूडेंट आपका ये फर्ज बनता है कि आप होयसालेश्वरा टेम्पल को गूगल करें और उसके ऊपर कुछ 5, 7, 8, 10 लाइनें प्रिपेयर करें, क्योंकि ये अब टॉपिक आपके प्री के लिए और आपके मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। प्री के लिए तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़े डिफिकल्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, और मेंस में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि होयसालेश्वरा टेम्पल के बारे में बताइए कुछ। यूपीएससी ऐसा पूछता रहा है, हर साल एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है प्री में भी मेंस में भी। पेपर से बाहर आके हमें लगता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था और हमें आ ही नहीं सकता, हमें पता ही नहीं है, लेकिन अगर आप पेपर के बाहर आके थोड़ा सा उसको रिसर्च करें, गूगल करें, तो आप ये जानते हैं कि ये हिंदू के ही किसी आर्टिकल में मेंशन किया गया था या एक्सप्रेस के ही किसी आर्टिकल में मेंशन किया गया था या योजना के किसी आर्टिकल में आया था। तो सोर्सेज हमेशा हर साल वही रहते हैं यूपीएससी के सवाल बनाने के, थोड़ा सा डेप्थ में जाके वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और सवाल बनाते हैं, और एज अ स्टूडेंट हम वो कभी कभी नहीं करते, राइट? तो ज्यादा बोलने से पहले हम होयसालेश्वरा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। कर्नाटका में है ये टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव है और हासन डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, राइट? 12वीं सदी में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। इसका नाम आया है किंग विष्णुवर्धन होयसालेश्वरा से, जिन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया, और इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में जो शैवास थे, जो शिव डिवोटीज थे, उनसे भी कॉन्ट्रीब्यूशन प्राप्त हुई। इसको बनाया गया था टू कम्पीट विद द चेनाकेश्वर टेम्पल, ठीक है, जो कि वैष्णव टेम्पल था, राइट? अच्छा, और टेम्पल के बारे में कुछ जानते हैं। लगभग 1,000 फिगर्स हैं दीवारों पे जो कि महाभारत और रामायण के सीन्स डिपिक्ट करती हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है टेम्पल का, सबसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है गरुड़ स्तंभ, ठीक है? वो एक रेयर पिलर है जो कि राजा के साथ जो बॉडीगार्ड्स रहते थे उनकी हिस्ट्री दर्शाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। ऐसा ही एक सिमिलर चीज हीरोज को मार्टेड जो हीरोज जो सोल्जर्स मार्टेडम प्राप्त करते थे, शहीद शहादत प्राप्त करते थे, उनके लिए हम संगम लिटरेचर में भी एक पिलर उनके लिए पढ़ चुके हैं। तो ये राजा के बॉडीगार्ड्स के लिए गरुड़ स्तंभ, ये वो है, ये वो बॉडीगार्ड्स हैं जो अपने मास्टर की सेवा के लिए सुसाइड कमिट करते थे, राइट? और एक बॉडीगार्ड नेम कुरुव लक्ष्म लक्ष्मा इसको इसके लिए इसको होमेज देता है, राइट? और ये जो है हमारा होयसालेश्वरा टेम्पल, इट इज अ प्रपोज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट? टेंटेटिव लिस्ट ऑफ स्टेट पार्टीज में ये प्रेजेंट है यूनेस्को की। तो सबसे क्रूशियल बात ये थी पूरे क्वेश्चन में, जो चौथी स्टेटमेंट थी वो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के ऊपर थी और वो इनकरेक्ट थी क्वेश्चन में। अब हमने होयसालेश्वरा टेम्पल तो डिस्कस कर लिया, अब आगे जाके आपने थोड़ा सा होयसालास के ऊपर भी डिस्कस करना है, पढ़ना है, राइट? क्योंकि हो सकता है कि टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, होयसालास के ऊपर आ जाए, पर बात तो वही है, राइट? तो होयसालास के बारे में शेवाइट वैष्णवाइट सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे और कोर्ट रिकॉग्निशन जैनिज्म को भी थी, राइट? तो बहुत ज्यादा सेक्युलर नेचर थी इनकी रूलर्स की, राइट? तो और टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में या आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में होयसालास की अचीवमेंट देखे तो ये है कि न्यूमरस इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन टेम्पल्स इन्होंने बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके बारे में जाननी है वो ये है कि जो टेम्पल का आर्किटेक्चर होता था, जो कॉम्पाउंड का आर्किटेक्चर होता था, वो स्टार शेप्ड होता था, राइट? स्टार शेप्ड प्लान होता था, और जो होयसाला का आर्किटेक्चर है वो नगारा और द्राविड़ा स्टाइल का
एक हाइब्रिड है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होयसालाज एंड होयसाला आर्किटेक्चर. और टेम्पल्स और बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स जिनका स्टार शेप प्लान होता था हम देख चुके हैं. एक नव रंग इंक्लूड करते थे जहां पे लोग इकट्ठे हो सकें और जहां पे कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे कि म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेज, स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंसेज हो सकें. राइट, तो हिंदू में रहा ये न्यूज में और वहां से हमने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया और ये एक इमेज है होयसालेश्वरा टेम्पल की. तो होयसालेश्वरा टेम्पल के साथ साथ जान के बारे में जानने के साथ साथ आपके लिए ये जरूरी है जानना कि सवाल कहाँ से बनते हैं. ये बहुत हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने ऑनलाइन भी स्टूडेंट से डिस्कस किया, ऑफलाइन स्टूडेंट से डिस्कस किया और हमारा खुद का भी जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी बच्चों को नहीं आता होगा. लेकिन आप यहाँ पे एज प्राप्त कर सकते हैं. कैसे? अगर आप अपनी न्यूज़पेपर की रीडिंग को बहुत ज़्यादा थरो बना के पढ़ रहे हैं. राइट, इतना थरो रखिए न्यूज़पेपर कि हर अक्षर उसमें जो आया है, हर आर्टिकल जो आया है वो आप डिटेल में पढ़ रहे हैं. और यहाँ पे मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ कंपाइलेशंस पे मत रिलाई कीजिए. कंपाइलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, आपका काम बहुत आसान कर देती हैं, लेकिन कंपाइलेशंस की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि जितनी डेप्थ में आप अपनी तैयारी के लिए जाएंगे या आपको जाना चाहिए उतनी डेप्थ में कंपाइलेशन नहीं जा सकती. अगर वो जाएंगे तो 200-300 पेज की एक महीने की कंपाइलेशन बनेगी. वो आपको एज अ स्टूडेंट पढ़नी बहुत मुश्किल है 300 पेज की एक महीने की कंपाइलेशन. राइट, तो बेस्ट चीज यही है कि हर रोज ऑन अ डेली बेसिस आप 2 पेज 4 पेज 5 पेज के अपने नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स बनाएं और उसमें अगर कोई कमी पेशी रह गई है वो फिर आप कंपाइलेशन से पूरी करें या उन कमियों पेशियों को दूर करें. तो ये जान लीजिए कि ये एग्जाम मेहनत मांगता है. जो चीज़ आसान है वो चीज़ हर बच्चा कर रहा है और उससे शायद आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा. राइट, तो मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, न्यूज़पेपर को डेप्थ से पढ़िए. राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं. वो हमने तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के कॉन्टेक्स्ट में पूछा. अब बात यह है कि ये हर हफ्ते ऑलमोस्ट एक बार तो न्यूज में रहता है, तो इंपॉर्टेंट टेम्पल है इंडिया का. अब अगेन आप कहेंगे कि सवाल बहुत डिफिकल्ट है, कि उसमें से 2-3 चीजें ऐसी पूछ ली गई जो आपको नहीं पता हो सकती. राइट, लेकिन इस डिफिकल्ट सवाल में भी एक स्टेटमेंट है जिससे आपका पूरा क्वेश्चन निकल जाता है. पहली स्टेटमेंट थी इस क्वेश्चन की कि वेंकटेश्वरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. यहां पे आपको बात पकड़नी है कि वेंकटेश्वरा जो है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा जो है वो विष्णु का अवतार है, शिव का अवतार नहीं है. तो इसलिए वो टेम्पल भी डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु है, ना कि लॉर्ड शिव. एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, आपका सवाल पूरा सॉल्व हो गया. जो कि सीमिंगली देखने में आपको लग रहा है कि मुश्किल सवाल है, कि मुझे पता नहीं सेसाचलम हिल्स ईस्टर्न घाट्स में है कि नहीं है, या मुझे पता नहीं वहां पे कौन सा मिनरल पाया जाता है. राइट, वो आपको जानना नहीं है. मे बी आपका पहली स्टेटमेंट से ही पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो रहा है. तो लॉर्ड वेंकटेश्वरा जो है विष्णु का अवतार है, उनको डेडिकेटेड किया गया है टेम्पल, सेसाचलम हिल्स में मौजूद है, द्राविडियन आर्किटेक्चर है और लगभग 300 CE में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी. सेसाचलम हिल्स ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है. राइट, और यहाँ पे शेल पाया जाता है, सैंडस्टोन पाया जाता है इंटरबेडेड विद लाइमस्टोन. तो ये था आपका दूसरा सवाल. तीसरा सवाल देखते हैं. राइट, पांडवानी के ऊपर सवाल पूछा. 99.9% बच्चों ने पांडवानी कभी सुना भी नहीं होगा कि पांडवानी क्या चीज है. लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि ये सवाल कहां से आया तो आप भी हैरान रह जाएंगे. पांडवानी की जो एक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एक्सपोनेंट है जिनका नाम है तीजन बाई, ये चर्चा में थी, ये न्यूज में थी हाल ही के दिनों में, कुछ हफ्ते पहले. किस कॉन्टेक्स्ट में? तीजन बाई को रिपब्लिक डे के टाइम पे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. अगर आप इंडियन एक्सप्रेस खोल के देखें उस दिन का, तो तीजन बाई की फोटो राइट हैंड कॉर्नर में पेज 10 या पेज 11 या पेज 12, जो एडिटोरियल पेज के बाद का पेज है, उस पे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में तीजन बाई की फोटो छपी है और नीचे लिखा है कि ये एक फोक आर्ट की प्रोपोनेंट है और इनकी इस कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए भारत सरकार ने इनसे
ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, तो नाम भी है और क्या काम करती हैं वो भी है। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपकी नज़र उस चीज़ से कैप्चर हो जानी चाहिए। आपने देखा कि एक एक फोक आर्ट की प्रोपोनेंट है और उनको पद्म विभूषण मिला है और नीचे लिखा है पांडवानी। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता, तो आपका फर्ज बनता है इसको थोड़ा सा गूगल करना। क्यूरियोसिटी एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आपकी काम आएगी। पांडवानी को अगर आप गूगल करेंगे तो चार लाइनें निकल के आएंगी पांडवानी के ऊपर, और वही चार लाइनें आपके लिए पेपर के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं में से कोई ना कोई सवाल पूछेगा यूपीएससी। बाहर आके आपको लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल सवाल था, लेकिन सोर्स जानने के बाद आपको भी पता है कि ये मुश्किल सवाल नहीं था, खासा ही इजी सवाल था, क्योंकि न्यूज़पेपर से बनाया गया सवाल था। तो सवाल क्या है, पांडवानी क्या है कि एक फोक सिंगिंग स्टाइल है जिसमें आप महाभारत के की कुछ कथाएं गाते हैं, और इसका जो मेन हीरो है स्टोरी का, जो कथाओं का, वो है भीम, ना कि अर्जुन। और इस स्टाइल में म्यूजिकल अकम्पनीमेंट्स भी होते हैं, कुछ कुछ टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, राइट। ये पॉपुलर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। और ये है तीजन बाई की फोटो। इट इन्वॉल्व्स अ लीड सिंगर इन एक्टिंग एंड सिंगिंग एन एपिसोड कॉल्ड प्रसंग फ्रॉम द एपिक महाभारत। एक इकतारा होता है या तांबूरा होता है, स्मॉल बेल्स होती हैं, पीकॉक फेदर्स होते हैं एक हाथ में, और एक हाथ में करताल होता है, राइट। तो ऐसे आप देख सकते हैं, फोटो देख के इमेजिन करना, याद रखना आसान रह जाता है, राइट। तो ये थी कहानी पांडवानी की। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। अब अगेन ये भी सीमिंगली देखने में बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका भी आपको रूट बताते हैं कि कहां से ये सवाल आया। तो जून जुलाई 2018 के महीने में, जो कि आप वेल विद इन योर सिलेबस है, एक आर्टिस्ट है इंडिया के, बहुत ही फेमस 20वीं सदी के आर्टिस्ट हैं, तैयब मेहता जी। तैयब मेहता जी की एक पेंटिंग है काली, जो कि लगभग 25-26 करोड़ में वो पेंटिंग बिकी। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट अगेन ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी भी इंडियन आर्टिस्ट की अगर कोई पेंटिंग इस फिगर पे बिक रही है, 20 करोड़ 25 करोड़, मतलब 3-4 मिलियन डॉलर्स, तो आप ये मान के चलिए कि ये एक अच्छे, बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल पेंटर के लेवल का रेट है, राइट, का प्राइस है। तो अगर किसी इंडियन पेंटर की पेंटिंग इस अंतर्राष्ट्रीय दाम पे बिक रही है, तो वो पेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्टेचर का है। तो अगर उनका नाम आया है, तो आप उनके ऊपर एक कर्सरी 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का गूगल करेंगे, आप जैसे ही तैयब मेहता जी के बारे में कोई भी दो चार लाइनें पढ़ेंगे, आप यू विल कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड द बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। तो अगेन ये टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयब मेहता जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन पेंटिंग इन 20th सेंचुरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब आप बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में दो लाइनें और पढ़ेंगे, तो आपके सामने नाम आएंगे FN सूजा, SH रजा, सैयद हैदर रजा, MF हुसैन, राइट। ये नाम भारत के 20वीं सदी के सबसे दिग्गज पेंटर हैं, राइट, सबसे दिग्गज नाम है। तो अगर इनका नाम आ रहा है, तो वो टॉपिक बाई डिफॉल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और थोड़ा सा और अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक चीज शुरू करी थी कि इंडियन पेंटिंग उस टाइम तक कॉलोनियल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ही फॉलो कर रहा था, कि जो इंडियन पेंटर्स भी थे, इंक्लूडिंग राजा रवि वर्मा, वो भी कॉलोनियल स्टाइल ऑफ पेंटिंग फॉलो करते थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इसको हम तोड़ के एक नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग तैयार करेंगे, जिसकी फेमस पेंटिंग भारत माता है, राइट। तो इस बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने क्या कहा कि हम ये जो रिवाइवलिस्ट नेशनलिज्म ट्रेडिशन एस्टैब्लिश किया है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने, हम इससे हटके कुछ एक अवांटगार्ड, एक अपना एक इंडियन मेथड ऑफ पेंटिंग इवॉल्व करना चाहते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो, इसलिए बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये कहते हैं कि दे वर इंस्पायर्ड बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड जो उसके रिजल्टिंग राइटिंग हुई, उसने काफी इनको इंस्पायर किया अपनी अपनी आर्ट को एस्टैब्लिश करने में, अपनी पेंटिंग स्टाइल को एस्टैब्लिश करने में, राइट। तो ये थी कहानी बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की। ये वो पेंटिंग है काली तैयब मेहता जी की, जिसको
ऑक्शन किया गया, राइट। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशी के ऊपर क्वेश्चन था, फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। एज अ स्टूडेंट आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ओडिशी के बारे में जानकारी है, तो इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं करेंगे। ओडिशी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं और भी। सिर्फ दो लाइनें इसके बारे में जो थी कि मुगल एरा में भी काफी डाउनफॉल हुआ ओडिशी एज अ डांस फॉर्म का, एज एन आर्ट फॉर्म का, और डिक्लाइन हुआ ब्रिटिश पीरियड में भी, क्योंकि जो ये नाच ट्रेडिशन था, जो ये नाच ट्रेडिशन था कि टेम्पल्स में डांस करना, चाहे वो एक क्लासिकल डांस माना जाता है आज और एक सालों पुरानी प्रथा है, लेकिन ब्रिटिश लुक्ड डाउन अपॉन दिस थिंग और उन्होंने उनके टाइम पे काफी काफी इन इन प्रथाओं का, इन आर्ट फॉर्म्स का डिक्लाइन हुआ। और 20th सेंचुरी के टाइम में जब नेशनलिस्ट कल्चरल आर्ट रिवाइवल चल रहा था, तो उस टाइम पे ओडिशी का रिवाइवल हुआ, राइट। तो ये आपको पीडीएफ हम दे देंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं जहां जहां से आप ओडिशी के बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन अब ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के ऊपर है। अब एज अ स्टूडेंट आप रट के जो जाते हैं पेपर में, उसकी एक लिमिटेशन है, आप हर लाइन 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 रट के नहीं जा सकते, तो आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी अगर आपने ब्रह्म समाज के बारे में कुछ पढ़ा है और उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स थे, वो ब्रह्म समाज का पार्ट थे, वो आपस में एंगेज करते थे डिस्कशंस में, उपनिषद को डिस्कस करते थे, राइट, और डिस्कस करते थे कि कैसे हम रिलीजन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। प्रेयर करते थे, मेडिटेशन करते थे उपनिषद की, आइडल वर्शिप नहीं करते थे, कोई स्कल्पचर नहीं था, कोई कार्विंग नहीं थी, कोई जो एक नॉर्मल तरीका था रिलीजन को वर्शिप करने का, रिलीजन पूरा प्रैक्टिस करने का, वो ये फॉलो नहीं करते थे, राइट। मीनिंगलेस रिचुअल्स नहीं करते थे, आइडोलेट्री अपोज करते थे और हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना चाहते थे, कि वेदास और उपनिषद्स के टाइम के डिस्कशन को वापस लेके आना चाहते थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो ये लेवल की बातें हैं, ये आम आदमी से ऊपर की बातें हैं। उपनिषद्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ टेक्स्ट रिटन, राइट, बहुत ज्यादा डीपली फिलोसॉफिकल बातें हैं वो, तो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में जो रिलीजन है उससे काफी हटके, उससे काफी परे है, तो ये आम आदमी के समझ आने वाली बात या आम आदमी को अट्रैक्ट करने वाली बात है ही नहीं। तो ब्राह्म समाज जो था वो इंटेलेक्चुअल्स को एंगेज करता था, बंगाल के इंटेलेक्चुअल अलीट को, और रामकृष्ण मिशन जो था वो था रिनंसिएशन के ऊपर, कि एक एसेटिक की जिंदगी जीनी, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी, और ऐसे मंक्स बनते थे जो कि प्रीच करते थे, फिलोंथ्रोफिक एक्टिविटीज करते थे, लोगों में जाके प्रचलित करते थे रामकृष्ण मिशन को। तो इस वजह से रामकृष्ण मिशन की जो फॉलोइंग है वो मासेज में बहुत ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है जो आपको एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए अगर आपको दोनों चीजों के बारे में जानकारी है, रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के बारे में जानकारी है। तो उसके बाद दो लाइनें थी यंग बंगाल मूवमेंट और हेनरी विवियन डिरोजियो के ऊपर, और ये फेयरली सिंपल लाइन है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। विवियन डिरोजियो जो थे, जो यंग डिरोजियंस थे या जो यंग बंगाल मूवमेंट थी, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स से इंस्पायर्ड थी। वो अपने प्यूपल्स को कहते थे कि आजादी से सोचो, थिंक फ्रीली, थिंक रैशनली, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम प्रोपोगेट करते थे, राइट। ये था विवियन डिरोजियो, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन। देन अगला क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर था, फेयरली सिंपल क्वेश्चन था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना दिया गया था डायरेक्टी के अंडर, लेकिन फाइनेंस एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट ही रखा गया था, इन चार्ज ऑफ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, और इंडियन मिनिस्टर्स कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका फाइनेंसिस के ऊपर कंट्रोल नहीं था, राइट। फेयरली सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कराची सेशन से जुड़ा हुआ, तो गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए कराची सेशन होल्ड किया गया था, स्पेशल सेशन था कांग्रेस का, ये नॉर्मली दिसंबर में सेशन होते थे लेकिन ये मार्च 1931 में रखा गया। अब
29 मार्च को ये सेशन था, 24 मार्च को स्केड्यूल्ड थी भगत सिंह की फांसी, जो कि एक्चुअली में 23 मार्च को ही दे दी गई थी। तो 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई थी, तो पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि हमारे नौजवान रेवोल्यूशनरीज को फांसी दे दी गई है। और एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसा था, पर्टिकुलरली पंजाब में, जिनको गांधी जी के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि ये मानते थे वो लोग कि गांधी इरविन पैक्ट के साइनिंग के टाइम पे गांधी जी भगत सिंह की जो फांसी की सजा है उसकी कम्यूटेशन के लिए निगोशिएट कर सकते थे। वो कह सकते थे कि मैं पैक्ट नहीं साइन करूंगा और आपको भगत सिंह की फांसी भी माफ करनी पड़ेगी, लेकिन गांधी जी ने इतना एफर्ट नहीं किया, इतना ट्राई नहीं किया, उन्होंने भगत सिंह की फांसी के लिए जोर नहीं लगाया। तो वो काफ़ी हद तक उनको, गांधी जी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि भगत सिंह की फांसी के लिए उन्होंने जोर नहीं लगाया, फांसी रोकने के लिए जोर नहीं लगाया। तो इस वजह से जैसे ही पंजाब एंटर किए गांधी जी, तो पूरा उनको कराची तक ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन से लोगों ने ग्रीट किया, पर्टिकुलरली पंजाब नौजवान भारत सभा के लोगों ने, जो कि भगत सिंह की स्थापित की हुई एक ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। तो ये थी कहानी ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन की, राइट। 59th क्वेश्चन, अगेन बहुत सिंपल सवाल, मतलब अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जितने भी ये स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन प्लान है, वेवल प्लान है, माउंट बैटन प्लान है, सारे प्लान्स की क्रोनोलॉजी, सब में क्या क्या ऑफर किया गया था इंडिया को, क्यों हर मिशन, हर प्लान किस सिचुएशन में आया, पूरी डिटेल में आपको क्लैरिटी चाहिए, हम आपसे ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था, हमने स्टैंडर्ड सी जो पॉइंट्स है वही डाले थे, लेकिन क्वेश्चन में ये था कि ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी इंडियंस, नहीं, एक्सेप्शन क्या थी, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, ये दो एक्सेप्शन थी। और अगर आपने पेपर में ये चीज आइडेंटिफाई नहीं करी, ये चीज नहीं पकड़ी, तो आपके मार्क्स गए, जहां आपके प्लस टू आने चाहिए थे वहां पे अब आपके -2.7 आएंगे, रादर -0.7 आएंगे। तो टोटल डिफरेंस आपके सोचे गए मार्क्स से 2.7 हो गया। और कहां कहीं आपने पेपर में चार भी गलतियां ऐसी कर दी कि जो सवाल आपको सही करने चाहिए थे, +8 आने चाहिए थे और -2.8 हो गया, आपका टोटल डिफरेंस 10.8 मार्क्स का हो गया। और ये 11 नंबर जो है, ये आपकी फेट डिसाइड करते हैं, ये आपका एक साल डिसाइड करते हैं कि आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है या आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। ये चीज, ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि आपको वेवल प्लान आता है, आपको सारी बातें पता है, लेकिन ऐसी अगर आप एक जो केयरलेस मिस्टेक है कर देते हैं, तो ये आपके लिए फेटल साबित हो सकती है। तो ये गलती पॉइंट आउट करने के लिए ये सवाल पूछा गया था आपसे। अगला सवाल आईटोक के ऊपर, अगेन पहली दो स्टेटमेंट्स थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन आपने अपना कंपोजर बनाए रखना है, आपने तीसरी स्टेटमेंट पढ़नी है, और तीसरी स्टेटमेंट बहुत सिंपल स्टेटमेंट थी। आईटुक के पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, ये आप जानते हैं। हो सकता है आपको एनएम लोखंडे के बारे में नहीं पता, हो सकता है आपको कोई और फैक्ट नहीं पता वर्कर मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, लेकिन ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि लाला लाजपत राय ने पहला सेशन प्रिसाइड किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, और जो सी आर दास थे उन्होंने थर्ड और फोर्थ सेशन प्रिसाइड किया था आईटुक का। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आईटुक का जो 1927 सेशन था वो किसने प्रेजाइड किया था, राइट। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 61st क्वेश्चन, जो कि सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में था। सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है मौर्यन पीरियड को, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत ही इजी सवाल था ये, राइट। 63rd क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी स्थापित करी। तो इब्राहिम लोदी तक जो पीरियड था उसको फर्स्ट मुगल एम्पायर हम कहते हैं, और उसके बाद हुमायूं को हरा के शेरशाह और उनके सक्सेसर्स ने जो 15 साल के आसपास तक राज किया उसको हम सेकंड अफगान एम्पायर कहते हैं। और इसके बाद फिर से हुमायूं ने आके मुगल जो एम्पायर था उसको कंटिन्यू किया। तो 63rd क्वेश्चन भी फेयरली इजी क्वेश्चन था, राइट।
सेकेंड क्वेश्चन में हमने यहां पे डिस्कशन नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्योंकि यहां पे मोहिंजोदारो और हड़प्पा और लोथल और कालीबंगन साइट्स पे जो जो हमें रूइंस मिले उनको मैच करना था। डॉकयार्ड लोथल में मिला, इकलौती जगह जहां पे हमें डॉकयार्ड मिला। कालीबंगन में हमें प्लाउड फील्ड्स मिली, इकलौती जगह कालीबंगन है हड़प्पन साइट जहां पे हमें प्लाउड फील्ड्स मिली। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था ये। देन ग्रुप ऑफ 40, तुर्केई चहलगनी या चालीसा एस्टैब्लिश करी इल्तुतमिश ने। 40 नोबल्स का ये ग्रुप था जो सुल्तान की हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और इल्तुतमिश की डेथ के बाद इस ग्रुप ने अपने हाथों में पावर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर ली। रजिया सुल्तान को इन्होंने इजीली रूल नहीं करने दिया, और फाइनली बलबन आए, बलबन ने अपने पास पावर कंसोलिडेट करी और तुर्की चहलगनी को अबॉलिश किया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पादशाहनामा के ऊपर था। तो पादशाहनामा लिखी गई थी शाहजहां के रेन के अंडर, कि जब शाहजहां रूल कर रहे थे। राइट राइट, इट वॉज मेड टू लुक लेविश विद जेनरस वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड प्लेटिंग। आप देख सकते हैं शाहजहां थोड़े से ऐसे थे भी, वेरी प्रोफ्लिगेट, बहुत ज्यादा खर्च करते थे, सिंपल चीजों से नहीं चलते थे। जब उन्होंने अपनी मुमताज महल के लिए एक बनाया भी ताजमहल, तो सिंपल चीजें नहीं, मार्बल यूज किया रादर देन सैंडस्टोन, और दुनिया जहान से प्रेशियस जेमस्टोन, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन उसमें चिनवा दिए। राइट, तो काफी प्रोफ्लिगेट थे। तो जेनरस वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड प्लेटिंग पेंटिंग्स के बॉर्डर में ये शाहजहां के टाइम पे ही हुई थी। राइट, तो ये है एक सैम्पल पेंटिंग जो डिपेक्ट करती है सरेंडर ऑफ कंदहार। राइट, शाहजहां के टाइम की, और 1638 की बात है, तो पादशाहनामा शाहजहां के टाइम पे लिखा गया था। राइट, शाहजहां के टाइम पे क्रिएट किया गया था। तो ये थे 15 सवाल हिस्ट्री के। रादर देन कि आप सवाल डिस्कस को इंपॉर्टेंस दें, आपको इस चीज को समझना है कि सवाल कहाँ से आते हैं, और अपने रेगुलर सोर्सेस पढ़ते हुए, जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हुए, कैसे आपने आंख कान दिमाग खोल के उस टेक्स्ट को पढ़ना है, कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब करना है, ये जानना, ये सीखना ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपनी तैयारी को एकदम मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज कर सके, एफिशिएंट लेवल पे यूटिलाइज कर सके, और मैक्सिमम मार्क्स पा सके पेपर में और सक्सेस हासिल करें। तो ये थी कहानी हिस्ट्री की। मिलेंगे आपसे किसी और डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू।